एरिथ्रिना अमेरिका, कोरल टी, क्लरिन क्लरिन या प्रोमोचेस, जिसे बच्चे लोग अपने नाखून में लगाते हैं और लाल कलर के होते हैं। जींस एंथ्रिना का एक फूल वाला पौधा है जो मेक्सिको का मूल निवासी है। क्लोरिन एक प्रकार के पेड़ का नाम है। एथ्रिना अमेरिका, जिसे ताजमूल पट्टी भी कहा जाता है। क्लरिन शब्द का अर्थ है कलर चलोन, एक भड़कीला या लाउड लंग। इंडियन कोरल टी यानी कि भारतीय मूगा वृक्ष। भारतीय प्रवाल वृक्ष पूरे भारत में जंगली रूप से बढ़ता है। अन्य सामान्य नाम कार्फी कोरल ट्री, लेटन ट्री, सनशाइन ट्री और टाइगर क्लो है। ये बर्मा, जबा और पोलिसिनिया में भी उगते हैं। इसे हिंदी में मंदरा और बंगाली में दादब के नाम से जाना जाता है। वनस्पति नाम लेगुमिनोसी एथ्रिना इंडिका या ब्रिगेट है और फेवरेसी मटर परिवार से संबंधित है। इस पेड़ को भारतीय महाकाव्य महाभारत में वर्णित होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। भारतीय मूगा पेड़ 80 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकता है और 40 फीट तक फैल सकता है। इस पर्णपति पेड़ की चिकनाई गिरी हरी छाल होती है और ये कांटों से ढका होता है। ये एक लोकप्रिय सजावटी पेड़ है जो कि शहर या बगीचे को सुशोभित करने के लिए लगाया जाता है। पत्ते हरे, तीन बड़े चिकनी आकार के पत्तों और कांटों के साथ मिश्रित होते हैं। फूल जनवरी की शुरुआत में खिलते हैं और अप्रैल तक रहते हैं। फूल चमकीले लाल होते हैं और अकेले या गुच्छों में स्पाइके पर उगते हैं। प्रत्येक फूल में 5 पंखुड़िया होते हैं, जिनमें से एक दूसरे से बड़े होते हैं। फूल 2 से 3 इंच लंबे होते हैं। बीज भूरे गुर्दे के आकार के होते हैं, जिनके भीतर लाल या बैंगनी रंग के बीज होते हैं। वे 15 इंच लंबे हैं। यूजेस, उपयोग। भारतीय मूगा वृक्ष की लकड़ी का उपयोग छोटा नाव बनाने के लिए किया जाता है। पत्ते खाने योग्य होते हैं और करी बनाने के लिए पकाए जाते हैं। पंखुड़ियों का उपयोग लाल रंग प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है और पारंपरिक चिकित्सक कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए इस पेड़ के कुछ हिस्से का उपयोग करते हैं।